हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कृष्णास मोसॉर्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लाइव एक और कॉम्पोजिशन यहाँ पर मैंने एक और कॉम्पोजिशन बनाया है जहाँ पर मैं काफ़ी सारे काउस को दिखा रहा हूँ। एक गांव का सीन बनाया है जहाँ पर काउस रखे हुए हैं और एक महिला काउडंग को गैदर कर रही है। तो उस तरीके का कॉम्पोजिशन मैंने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मैं रफली काम कर रहा हूँ। इस बार मैंने आपको कंप्यूटर में ड्राइंग प्रोसेस को दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियरली दिखाई दे। आप देख सकते हैं कि उतनी डिटेलली नहीं, काफ़ी रफली की है क्योंकि कंप्यूटर में मैं अभी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जितना हो सके मैंने आपको पूरी प्रोसेस दिखाने की कोशिश की है। जैसे आपने देखा, मैंने काफ़ी आसानी से काफ़ी रफली मैंने अपने पूरे जो ड्राइंग है उसको एक आउटलाइन कर लिया हल्के से। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डार्क कर दे रहा हूँ और जो फाइनल मार्क्स है उसको बना दे रहा हूँ। ये भी काफ़ी रफली लेकिन थोड़ा और डिटेल से कुछ और फीचर्स को अच्छे से दिखाते हुए। इस सेम प्रोसेस को आप पेंसिल में भी अपना सकते हैं। आप पहले हल्के से पेंसिल से करें, उसके बाद उसके ऊपर डार्क पेंसिल से आप सारे फीचर्स को बना दें। मैं यहाँ पर भी काफ़ी रफली कर रहा हूँ क्योंकि बस दिखाने का था, तो इसीलिए यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मेरा पेंसिल में ड्राइंग रेडी है। तो इसको अभी हम कलर करेंगे जो कि हमारा मेन मोटिव है। यहाँ पर मैं ओपेक कलर का यूज़ कर रहा हूँ कलर करने के लिए। आप जैसे देख रहे होंगे, सबसे पहले मैं जब बैकग्राउंड स्टार्ट कर रहा हूँ काफ़ी ब्राइट कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक डे का सीन मुझे दिखाना है और काफ़ी फ्रेश लगना चाहिए अपना पेंटिंग। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा फ्रेश कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी ब्राइट इसको बनाने की कोशिश करूँगा। आप कोशिश करें जितना हो सके उतना ब्राइट पेंटिंग को बनाने के लिए अच्छे कलर्स का यूज़ करें और सब पेंटिंग में एक कलर टोन जो हो वो काफ़ी अच्छा हो। आप जैसे देख सकते हैं अभी शेडोज का मैं पीछे के वॉल में बना रहा हूँ, उसको ब्लू कलर के शेडोज दे रहा हूँ क्योंकि जब सनलाइट काफ़ी तेज होती है तो एक जो काफ़ी कूल टाइप के शेडोज होते हैं वो पड़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पीड में काफ़ी रफली कर रहा हूँ मैं इसको। आप इसको तो मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप कर दिया है, लेकिन अगर आप नॉर्मल वाला प्रोसेस भी देखते हैं तो उसमें भी मैंने कुछ उतना ज़्यादा ध्यान से नहीं, बस रफली ब्रश को चला के बस प्लेसेस को कवर करने हैं। ये जो अर्ली स्टेजेस है जिसमें आपको अपने बैकग्राउंड को करना है जल्दी करने के लिए, उस टाइम पे आप ज़्यादा टाइम ना लगाए तो अच्छा होगा ताकि अपना टाइम बचे और हम जो मेन फिगर्स और यहाँ पर एनिमल है उसको हम बना पाएँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि हम बाद में अपने टाइम पे ड्राइंग को ख़त्म कर पाए। तो जो एरिया फिल करना हो उसको आप जितना जल्दी हो सके करने की कोशिश कीजिए बड़े ब्रश से। उसके बाद सारे शेडोज़ को भी मैंने बना लिया ताकि जो मेन हमारा चीज़ है उसको हम जब बनाएं तो उसमें हम पीछे और ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं हो। तो रफली मैंने सबको कर दिया। इसको मैं और भी बहुत ज़्यादा डिटेल कर सकता था लेकिन मैंने उतनी ज़्यादा डिटेल करने की कोशिश नहीं की क्योंकि हमें अपना टाइम का भी ध्यान रखना है। इसलिए मैंने जितना हो सके इसको वेगली बना दिया है। थोड़ी बहुत फिर भी हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करेंगे, थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐड करेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद हम अपने मेन चीज़ पर आएंगे, कुछ डार्क एक्सेंट देने के लिए। कि ओपेक कलर क्या होता है कि धीरे धीरे फेड आउट होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो सबसे इसके बाद हम काऊ पे जाएंगे। एनिमल स्टडी भी हमारे पेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि कई सारे कॉलेजेस में हमें एनिमल के साथ भी बनाने की के लिए बोला जाता है, और या तो ऐसा कोई सब्जेक्ट दे दिया जाएगा जहाँ पर एनिमल बनाना नेसेसरी होगा। तो 2-3 एनिमल्स आपको प्रैक्टिस करके रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें काऊ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विलेजेस में दिखाई देता है। डॉग एंड कैट्स भी इम्पॉर्टेंट है, 90% एरियाज में हम डॉग कई जगह पर ऐड कर सकते हैं और उसके साथ साथ कभी कभी आप गोट भी बना सकते हैं। तो मैं एनिमल के ऊपर पूरी एक वीडियो कभी आपको अच्छे से बना के दिखा दूंगा, लेकिन आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको जो काऊ है उसको पेंट करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से मैं उसको पैचेस में पेंट कर रहा हूँ। एक मिडिल टोन मैंने सबसे पहले पूरे काऊ के ऊपर दे दिया ताकि एक जो बेस कलर हो अपना वो रेडी हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डिटेल जब हम ऐड करेंगे तो उसमें डार्क कलर्स का यूज़ करेंगे और वॉल्यूम को निखारने की कोशिश करेंगे। वॉल्यूम को निखारना ओपेक में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो लाइट हो जाता है धीरे धीरे टाइम के बाद, और अगर अब ज़्यादा पानी
पानी का यूज कर ले तो वो खराब हो कर सकते अपने पेंटिंग को। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा पोस्टर्स कलर्स का यूज करने में जब आप पेंट कर रहे हैं। अगर आप एक्रेलिक से कर रहे हैं तो काफी आसानी से हो जाएगा। वाटर कलर के लिए प्रोसेस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन ऑलमोस्ट आप सेम ड्रॉइंग को वाटर कलर में भी कर सकते हैं। बस आपको जो व्हाइट गैप्स होंगे वो किसी किसी जगह पर छोड़ने पड़ेंगे और ट्रांसपेरेंट कलर का यूज करना पड़ेगा ओपेक की जगह पे। तो आप इसी सेम पेंटिंग को वाटर कलर में भी काफी आसानी से कर सकते हैं और ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा रिजल्ट में, थोड़ा बहुत टेक्निक में आपको डिफरेंस लग सकता है। यहाँ पर मैं काफी स्पीड में है पर थोड़ी बहुत डिटेल के साथ भी हम इसको बना रहे हैं। काफी रफ ब्रश स्ट्रोक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें एक रफनेस लानी है और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो फिगर है उसमें एक बोल्डनेस को दिखाना है। तो ये हमारा जो मेन फिगर मेन जो फोकस था वो ये वाला काव था इस पेंटिंग में, तो इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया बाकी चीज़ों से। इसके बाद हम सेकेंड काव पे जाएंगे, सेकेंड काव पे भी हमें काफ़ी रफली ही पेंट करना है लेकिन फिर भी हमें उसकी फॉर्म को भी दिखाना है। तो आप कई सारे काउ के जो पोजेस है उसको आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जैसा हमने ह्यूमन के पोजेस को प्रैक्टिस किया था। तो इसके लिए हमें लाइव स्टडीज करनी पड़ेंगी काउस की भी। आप विलेज में जाइए और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से लाइव स्टडी कीजिए, या तो अगर आप अभी नहीं जा सकते तो फोटोज से ही आप डिफरेंट काउस को या डिफरेंट एनिमल्स को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। पहले पहले आपको डिफरेंस की ज़रूरत होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लगभग काउ को बना पाएंगे, इतनी कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी। बस उसके कैरेक्टर को पकड़ना पड़ेगा उसके फेस के शेप से, और कुछ रेगुलर पोजेस ही आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो उतनी ही काफ़ी होंगी। आपको सारे पोजेस में बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मन से बनाएंगे कंपोजिशन को तो आप जिस तरीके के पोजेस चाहे उसको ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने पहले एक बेस लेयर दिया, उसके बाद यहाँ पर जो मेजर शेडो था जो पड़ रहा था उसका फेस का, उसको मैंने बनाया। उसके बाद मैं फिर से मिड टोन से पूरे स्किन को कवर कर दे रहा। तो इस तरह का पेंटिंग अगर हम अच्छे से बनाना चाहें तो काफ़ी डिटेल्ड होगा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए मैं जितना रफली हो सके एनिमल्स को कलर कर दे रहा हूँ। इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ को कलर कर सकते हैं। तो हम जो ये दोनों ही थोड़े बहुत ग्रेइश या वाइटिश काइंड के काउस है जो कि नॉर्मली हमें दिखाई देते हैं काउ साइड में, लेकिन पूरी तरीके से वाइट नहीं है, काफ़ी टाइम ये गंदे होते हैं या फिर उनके बॉडी में टेक्सचर होते हैं, तो उसको भी हम दिखा सकते हैं। इसके बाद पीछे के कुछ और एलिमेंट्स हम ऐड कर दे रहे हैं और उसके बाद हमारा फाइनल फिगर जब हम कंप्लीट कर लेंगे हमारा ड्राइंग हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर हम अपना फाइनल फिगर को क्या करेंगे, डार्क एरिया सबसे पहले हमने फेस के दे दिए, उसके बाद हम इसमें लाइट एरियाज ऐड करेंगे और हाइलाइट्स ऐड करने के बाद हमारा फेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम स्किन पे जाएंगे, हम पहले सारे स्किन के पार्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम जो उसके कपड़े पे जाएंगे। इस तरीके का यूज़ करने से हम जल्दी इसको ख़त्म कर सकते हैं और जितनी जल्दी ख़त्म हो सके उतना आसान है। यहाँ पर मेन चीज़ क्या होता है कि जो वैल्यूज है हमारे वो सारे मिक्स हो जाते हैं कई टाइम, और जो डिफरेंस होता है वो नहीं मिल पाता है, कॉन्ट्रास्ट हमें नहीं मिल पाता है, तो उसका हमें थोड़ा बहुत कभी कभी ध्यान रखना पड़ेगा। हम यहाँ पर भी ब्राइट कलर्स का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने येलो का यूज़ किया और हम इसमें रेड और ब्लू का भी थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे, और इन्हीं कलर का यूज़ करके हम इसके जो कपड़े हैं उसको भी बना देंगे। तो इसी तरीके से हम इसके फुट को मैंने बना लिया जो कि मैं भूल गया था पहले। उसके बाद शेडो को थोड़ा डार्क करने के बाद हम रेड का शेड लेके थोड़ी बहुत साड़ी में जो फोल्ड्स है और डिटेल से उसको बना देंगे। आपको एग्जैक्टली साड़ी के फोल्ड को नहीं बनाना है, जितना आप हो सके उतना बनाइए, लेकिन फिर भी एक डार्क कलर के शेड से आपको फोल्ड्स को बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि अपना पेंटिंग अच्छा दिख पाए और थोड़ी बहुत रियलिस्टिक दिख पाए। तो आप अपने स्टाइल का कुछ भी पेंटिंग स्टाइल आप देख सकते हैं बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इस स्टाइल से ही आप किसी भी पेंटिंग को बना पाएंगे। तो हमारा जो मेन लेयर्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर आप के पास टाइम कम हो तो आप इसी वक्त में भी आप छोड़ सकते हो, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप सबसे पहले डार्क कलर्स, उसके बाद डार्क कलर्स का यूज़ करके कुछ और डिटेल्स और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं ताकि अपनी पेंटिंग अच्छी लग पाए।
तो यहाँ पर हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पर आपको क्लोजअप दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी रफली मैंने इसको किया है और कितने ज़्यादा ब्रश स्ट्रोक्स हमें सब जगह पर दिख रहे होंगे। आपने देख इस ऐसा अच्छे से देख पा रहे होंगे कि मैंने कैसे यहाँ पर काम किया है। तो इसी तरीके से आप किसी भी पेंटिंग को बना सकते हैं। आप एनिमल स्टडी कीजिए और कलर करने की प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, और ऐसी और अच्छी पेंटिंग्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।